गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. सो दिस इज़ ज्योति सिंह. और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू वेरी मच. आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच. सो आज का जो मेरा वीडियो है गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है मेनली फॉर हाउसवाइफ है ये मेकअप, जिसमें मैं बताऊंगी कि रूटीन मेकअप जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो रूटीन मेकअप कैसे करें बहुत ही इजी स्टेप्स में एंड विद वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में और बहुत ही कम टाइम में अपना आप डेली रूटीन का मेकअप कैसे कर सकते हैं. तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा मेकअप मैं आपको बताने वाली हूँ आज. और हाँ, मेनली जो हाउसवाइफ होती है वो उनका मेकअप से थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली सबको अपने आप को पैम्पर करना, सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है. सो डेली रूटीन में हम हल्का फुल्का मेकअप तो अपना करते ही हैं, तो उसी के बारे में आज मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाऊंगी और साथ में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इजी वे में आप और बहुत जल्दी मेकअप कैसे कर सकते हैं अपना और बहुत बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ. तो या अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. Yeah, let's get into the video. वीडियो है फ्रेंड्स, मैं आज आपको कोई भी वॉइस ओवर नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको साथ साथ में बताने भी वाली हूँ. तो या सो सबसे पहले मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है अपने फेस को एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर. सो मॉर्निंग नेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए. मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज जब तक आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा नहीं. तो क्योंकि ड्राई जो फाउंडेशन वगैरह होते हैं तो वो बहुत ही ड्राई कर देते हैं आपके फेस को. तो और आज मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ जल्दी फटाफट मेकअप वाला, तो मैं अब क्या करूँगी, मैं अपना जो मेकअप है वो मॉइस्चराइज़र मैं ऐसे अपने हैंड पर लूँगी और मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र ना लगाते हुए मैं इसमें मिक्स करूँगी अपना फाउंडेशन. सो फटाफट से मैं अपना फाउंडेशन इसमें मिक्स. फॉर फाउंडेशन आई एम टेकिंग सुपर स्टे 24. वैसे जो नॉर्मल मेकअप है उसमें ज़रूरत नहीं है ऐसा टाइप का मेकअप लेना बिकॉज़ ये मीडियम कवरेज है, बट मेरे पास अभी मुझे नहीं दिख रहा है, अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैं फाउंडेशन भी बहुत कम ही यूज़ करती हूँ. जनरली मैं सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे डेली रूटीन के मेकअप के लिए, बट जो लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो मैं उनको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ. मैंने 2 ड्रॉप्स ऑफ फाउंडेशन लिया है एंड थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइज़र लिया है एंड उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है. सो ऐसे मिक्स करने के बाद, और मैं बहुत कम ब्रशेज आज यूज़ करने वाली हूँ, मैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपको ये मेकअप बताने वाली हूँ. ऐसे डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे इसको फाउंडेशन को स्प्रेड कर लूंगी. और इस वाले मेकअप में हम आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि डेली हाउसवाइफ्स के पास इतना टाइम होता है, बिकॉज जनरली जो टाइम लगता है वो आई मेकअप में ही लगता है. तो मैं आई मेकअप आज इतना नहीं करूंगी, इतना क्या हम आई मेकअप करेंगे ही नहीं बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमें और रोज़ यूज़ में इतना ड्रामेटिक दिखना ज़रूरी है. जितना नेचुरल और सिंपल हम मेकअप रखेंगे उतना बेटर है. तो मैं आज कोई ब्यूटी ब्लेंडर कोई ब्रश यूज़ नहीं करूँगी, सिंपली इसको अपने हैंड से मैं इसको पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी जस्ट लाइक दैट ओनली, वेरी लाइट हैंड आई एम यूजिंग. और नेक पे लगाना बहुत ज़रूरी बिकॉज अगर आपको अगर आपको अपना नेक का कलर और फेस का कलर थोड़ा सेम रखना है तो यू हैव टू पुट योर फाउंडेशन ऑन योर नेक ऑल्सो. सो मैंने ये ब्लेंड कर लिया अपने हैंड फिंगर्स की हेल्प से ही, मैंने पूरा प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड कर दिया इसको. अभी अगर फॉर दोज हाउसवाइफ जिनके डार्क सर्कल्स नहीं हैं उनको आई विल सजेस्ट कि आप कंसीलर यूज़ नहीं भी करोगे, सिंपल बस इतना यूज़ करोगे चलेगा. बट अगर जिनके थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं लाइक मी, मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ, अपना एक कंसीलर यूज़ करती हूँ. फॉर तो कंसीलर आई एम यूजिंग फिट मी मेबलिन
जो मेरे सेम सेम स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, बिकॉज मैंने कोई भी करेक्टर यूज़ नहीं किया है. तो अगर आप करेक्टर यूज़ नहीं करोगे और अपने लाइटर देन योर शेड इफ़ यू आर यूजिंग कंसीलर, तो वो ग्रे पड़ जाएगा और बहुत ही पैची सा ग्रेनेस यहाँ पे आपको दिखेगी. तो इसीलिए आई एम यूजिंग कंसीलर जो मेरे शेड का है. तो मैं इसको हल्का सा, बहुत कम, मैं इसको अपने आईज पे, आईज के अंडर आई एरिया पे, और जहाँ जहाँ मुझे अनइवन थोड़ा सा अपना स्किन टोन लगता है वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगी, हल्का सा कवरेज देने के लिए, नथिंग एल्स. और डेली रूटीन वाला जो मेकअप होता है उसमें हमें कवरेज देने की वैसे ज़रूरत नहीं है. और इसको मैं हल्का सा इसी सेम कंसीलर को मैं अपने आईलेट्स पे भी लगा लूँगी. सो दैट्स इट. कोई हमें अपने फेस को बहुत हाईलाइट नहीं दिखाना है, स्ट्रक्चर नहीं देना है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी पार्टी मेकअप और समथिंग. इसको भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही सेम स्प्रेड कर लूँगी. सो या यू कैन सी द डिफरेंस. That's it. And now very important, because जब भी आप फाउंडेशन अपने फेस पे यूज़ करते हो तो होता क्या है कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा चिपचिप टाइप और ऑयली टाइप लगेगा. एंड फॉर आई मीन आप पैक करना बहुत ज़रूरी है फेस को, तो उसके लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो. बट जो एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो आपकी किटी में कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करो, बट समथिंग एटलीस्ट यू शुड हैव इट इन योर किटी. लाइक वन फाउंडेशन इज देयर, वन कंसीलर इज देयर, एंड वन कॉम्पैक्ट शुड बी देयर. सो कॉम्पैक्ट बिकॉज आप टचअप भी करते हो और बाहर भी जाते हो, तो बहुत ही, जिन लोगों का ऑयली फेस होता है जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो इट स्टार्ट मेल्टिंग, राइट. सो आप कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं हल्का हल्का सा अपने फेस पे, जस्ट फॉर पैकिंग पर्पज़. और ये जब आप डेली रूटीन में मेकअप करोगे ना, आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा. जो आपका, आप हैबिचुअल हो जाओगे और इतना नॉर्मल मेकअप तो मतलब नॉर्मली सब करते ही हैं. ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली रूटीन में ही कर सकते हो. इफ़ समबडी डोंट लाइक बहुत बहुत ही मतलब हैवी सा मेकअप, जिनको पसंद नहीं है, तो वो इसको लाइट मेकअप, एज अ लाइट मेकअप अपना पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं. अगर नाइट फंक्शन है और मतलब आप कर सकते हो उसको. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये वाला जो मेकअप है वो आपको डेली रूटीन में ही करना है. या फिर जो लोग हैं जिनको मेकअप इतना पसंद नहीं है, वो लोग इसको अपने नॉर्मल रूटीन में ना करके पार्टी मेकअप, पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं इसको. तो मेरा जो इंटेंट था इस वीडियो को क्रिएट करने का, वो यही था कि जो भी हाउसवाइफ्स वगैरह हैं वो बहुत ही सिंपल वे में, इजी तरीके से इस मेकअप को कर पाए विदाउट एनी ब्रशेस. बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करती और मतलब मैं सजेस्ट नहीं करती जो भी हाउसवाइफ्स वगैरह हैं या नॉर्मल है, जो नॉर्मल मेकअप करते हैं नॉर्मली, उनको बहुत ज़्यादा ब्रशेस लेने की ज़रूरत है या फिर कुछ है. आई मीन फिंगर्स आर मोर देन एनफ इफ़ यू आर डूइंग योर मेकअप, वेरी लाइट मेकअप. सो या दैट्स ऑल, दैट्स ऑल अबाउट आर बेस. वी आर नॉट डूइंग एनी कॉन्टोरिंग, नॉट हाईलाइटिंग, नथिंग एल्स. सो बिकॉज डेली रूटीन में इतना मेकअप आई डोंट थिंक सो कि कोई भी करता है. सो या दिस इज आर बेस. एंड नाउ आई पुट इट दी लाइनर, बिकॉज लाइनर तो आई गेस बनता है, राइट. सो लाइनर हमें लगाना है.
आई एम यूजिंग कलर एसेंस लाइनर, और बहुत ही हैंडी सा है ये लाइनर और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं हल्का सा आज एक विंग वाला लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आपको जैसा भी अच्छा लगता है वो वाला लाइनर क्रिएट कर लो, बट मुझे पर्सनली विंग वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं विंग लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ आज। आई एम सो सॉरी गाइज, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं जो हूँ वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ, इसीलिए माइट बी इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप नॉर्मल इसको करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर देके ख़त्म कर दूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर भी आप मेकअप का कोई भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो साथ साथ अगर आप कर रहे हैं साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, तो दैट इज़ आई थिंक ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो, सम पीपल उनको अच्छा लगता है वॉइस ओवर वाला भी कर सकते हैं, उनके लिए वो भी बेनिफिशियल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट पर्सनली व्हाट आई फील दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो या, एंड जनरली आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हाउसवाइफ्स के लिए है, तो हाउसवाइफ्स को तो वैसे भी चिट चैट करना अच्छा लगता है। सो या, मैं भी चाहती थी कि मैं मेकअप के साथ साथ अब लोगों से थोड़ा सा गपशप कर लूं, बिकॉज़ बहुत टाइम से मैंने अपनी कोई वीडियो भी नहीं बनाई है मेकअप रिलेटेड वीडियोस स्पेशली। या सो यहाँ पर मैंने ये विंग वाला लाइनर क्रिएट किया है। गाइज, अगर आपके पास और भी मतलब आइडियाज़ हैं, आपको भी लगता है कि ये भी होना चाहिए था इस वीडियो में, माइट बी बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे भी आप बताइए कि मैं और क्या इसमें एड ऑन कर सकती हूँ, इंक्लूड कर सकती हूँ। या सो मैं फटाफट से अपनी दूसरी आईज पे भी करके आप भी आपके पास आती हूँ। डन विद माई लाइनर, सो नाउ आई एम यूजिंग मस्कारा, एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा। सो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू कैन सी द डिफरेंस इस वाली आईज में और इस वाली आईज में, बहुत ही सैडी सी आईज लग रही है, एंड ये वाली आप देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव सी लग रही है। या आई डू नाउ माई आईब्रोज, मैं आईब्रोज के लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर कॉस्मेटिक का, जिसमें आपका टू साइडेड, वन साइड इज स्पूली एंड वन साइड आपका जो है वो प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर आईब्रोज गाइज, जब भी आप आईब्रोज कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉम्ब करना अपने आईब्रोज को बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉम्ब, सो आप उसको कॉम्ब कीजिए इस तरह से अपर डायरेक्शन में, देन यू हैव टू फिल इट वेरी लाइट हैंडेडली। तो नेचुरल, जैसा मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बताती हूँ कि बहुत ही नेचुरल आपको आईब्रोज अपनी, अगर आप डेली रूटीन का कर रहे हो तो आप नेचुरल रखें अपनी आईब्रोज, वो थोड़ा सा फेक पन नहीं लगता है। और कभी भी ब्लैक आईब्रोज पेंसिल प्लीज़ यूज़ मत करें, आपका जो भी ब्राउन शेड है आप ब्राउन शेड हमेशा यूज़ करें अपनी आईब्रोज के लिए। थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले सकते हो अगर आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा बुशी और ब्लैक हैं, तो ऑलवेज गो फॉर ब्राउन शेड, प्लीज स्किप द ब्लैक वन।
So I have fillet like this, then I will just blend it properly. Merge मैं इसको कर दूंगी अच्छे से. सो आईब्रोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके फेस पे, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम अच्छे से करो. या यू कैन सी द डिफरेंस. सो फटाफट से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी कर लेती हूँ. So I have done with my both eyebrows. Now the last thing which I'll do with my lips. So for lips I'm using lip liner from Swiss Beauty. So lip line अभी मैं कर लेती हूँ अपनी lips को. And for lipstick, I'm using this Nykaa Chai in the shade of Chai lipstick. हल्का सा न्यूड शेड है ये. आई थिंक वो डेली पर्पज इतनी लिपस्टिक काफ़ी है. या सो इट्स डन. एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई हैव दिस मोल ऑन माई फेस. इट्स लाइक लोअर लिप्स के पास है, तो मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना प्रेफर करती हूँ. सो आई विल इन्हेंस इट. And the important thing is bindi. So I'll do sticker bindi for that. Yeah, so that's it. This is the final look, guys. सो ये वाला जो मेकअप है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हाउसवाइफ्स जो भी है अपना डेली रूटीन में कर सकते हैं इस मेकअप को. अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने काजल यूज़ नहीं किया है. इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ काजल, आप लोग काजल यूज़ करते हैं देन यू कैन यूज़ इट. मुझे पर्सनली नहीं काजल पसंद है, तो मैं काजल नहीं यूज़ कर रही हूँ. सो या मैं अब इस लुक को थोड़ा सा इन झुमकास के साथ पेयर अप कर लूँगी. डन. एंड सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये वाला मेकअप जो है वो आप अपना पार्टी मेकअप भी कर सकते हो. जो भी हाउस वाइफ्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप पसंद नहीं है, तो जिनको बहुत ही लाइट मेकअप पार्टी में भी करना पसंद है, वो भी ये मेकअप कर सकते हैं. और वन अगर आप वो वाला मेकअप करना चाहते हो, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस पर थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर लो. बस दैट्स इट, नथिंग मोर. सो आप फॉर दैट मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन का मास्टर क्रोम का जो हाईलाइटर है, वो मैं हल्का सा यूज़ कर रही हूँ. और मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ इसके लिए. जस्ट मैं थोड़ा सा अपने नोज़ एरिया पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको नो ब्रश मेकअप करके बताने वाली हूँ. वैसे ये हाइलाइटर मतलब अगर आप रोज़ का नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, तो हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. बट जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको ये सेम लुक थोड़ा सा पार्टी लुक के लिए चाहिए, तो जो आपके हाईबोन एरियाज हैं उसको आप थोड़ा सा अपना ग्लोई लुक दिखाने के लिए थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो. तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा अपने फेस को ग्लोई लुक देना है, वहाँ मैं इसको
यूज़ कर रही हो। एंड अगर आपको थोड़ा सा ब्लशर यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दी ब्लशर एज वेल। एंड फॉर ब्लशर आई एम यूजिंग स्वीट ब्यूटी। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, ब्लशर अगर आपको यूज़ करना है आप पहले यूज़ कर लो, और अगर आपको हाईलाइटर यूज़ करना है तो हाईलाइटर आप बाद में यूज़ कर लो। मैं भूल गई थी, मैंने सोचा कि मैं एक और स्टेप, अगर आप पार्टी मेकअप करना चाहते हैं, इसको पार्टी लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हल्का सा इसमें ब्लशर भी एड ऑन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। या सो दैट्स इट, वेरी नेचुरल, और बहुत ही नेचुरल सा लुक एक क्रिएट होगा आपके फेस पे, और बहुत ही नेचुरल सा लुक आपको ये वाला लगेगा, और दिखने में सुंदर भी लगेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है तो वो लोग ये मेकअप ज़रूर 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 ट्राई करें। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वही होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, दैट्स इट। सो या, दिस इज़ दी फाइनल लुक। इफ़ होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस लुक। इफ़ यू रियली लाइक दिस लुक गाइज, देन प्लीज़ प्लीज़ हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। या थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको मिलती रहूँगी। सो या, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइज, बाय।